वैश्या और पतिव्रता नारी की एक कथा हर पत्नी की आंखें खोल देगी। दोस्तों, क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई पत्नी अपने पति को किसी वैश्या के पास छोड़ सकती है? ये हिंदू धर्म में तो कोई पतिव्रता स्त्री कभी नहीं कर पाएगी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसमें एक पतिव्रता स्त्री अपने ही पति को एक वैश्य को सौंप आती है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि पत्नी को ऐसा कदम उठाना पड़ा, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे। पद्म पुराण में मिलने वाली एक कथा के अनुसार, एक बार एक प्रतिष्ठानपुर नाम के गांव में एक कौशिक नाम का ब्राह्मण रहा करता था। कौशिक की शादी एक ऐसी स्त्री से होती है जो काफी धार्मिक और घरेलू थी। दोनों इस शादी में काफी खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन शादी के 6 महीने बाद ही कौशिक एक बीमारी से ग्रसित हो जाता है। ब्राह्मण कोढ़ नामक एक बीमारी से पीड़ित हो गया था। इस बीमारी में उसका शरीर गलने लगा था और उसके पूरे शरीर पर घाव बन गया था और उससे दुर्गंध भी आने लगी थी। लेकिन पत्नी तो अपने पति से सच्चा प्रेम करती थी। पतिव्रता स्त्री अपने पति को इस हाल में देखकर भी उसकी सेवा करती रही। वह उसे रोज नहलाती, अपने हाथों से कपड़े पहनाती, उसको खाना खिलाती। कई दिनों तक इस तरह अपने पति की सेवा वो करती रही, लेकिन उसका पति ठीक नहीं हो रहा था। ब्राह्मण की ऐसी हालत देखकर उससे गांव के लोग भी दूर रहने लगे थे। सभी को यह डर सताने लगा था कि कहीं उन्हें भी यह बीमारी ना हो जाए। काफी समय बीत गया और पति की हालत में कुछ सुधार नहीं आ रहा था। फिर एक दिन ब्राह्मण अपनी कुटिया के बाहर बैठा था और उसकी पत्नी घर के बाहर सफाई कर रही थी। तभी उसके घर के सामने से एक वैश्या गुजरती है जो काफी सुंदर और मनमोहक थी। वैश्या की खूबसूरती देखकर ब्राह्मण मोहित हो गया और उसे हर वक्त वैश्या का ही ख्याल आ रहा था। लेकिन वो ये सोचकर परेशान होने लगा कि वो उस वैश्या को नहीं पा सकता, क्योंकि उसकी ऐसी हालत को देखकर तो वैश्या उससे कभी मिलना भी नहीं चाहेगी। तभी उसकी पत्नी ने उसे दुखी देखा और सवाल किया, स्वामी आप इतने दुखी क्यों हैं? क्या आपको घाव में दर्द हो रहा है? मैं उस पे मरहम लगा दूं? इस पर ब्राह्मण ने कहा, उस वैश्य के बारे में सोच रहा हूँ जो अभी थोड़ी देर पहले हमारे घर के सामने से गुजरी थी। मैं इसलिए दुखी हूँ कि मैं उसे कभी पा नहीं सकता, क्योंकि मेरी ऐसी हालत को देखकर वो मेरे पास कभी आना नहीं चाहेगी। अपने पति की ऐसी बातें सुनकर उसकी पत्नी नाराज नहीं हुई, बल्कि इस पतिव्रता स्त्री ने अपने पति को वचन दे दिया कि वो उसे वैश्य से मिलवाएगी, क्योंकि उसकी पत्नी उसे ही अपना सब कुछ मानती थी और अपने पति को इस तरह दुखी नहीं देख सकती थी। इसके बाद ब्राह्मण की पत्नी वैश्या के घर पहुँच गई। उसने जैसे ही वैश्या के घर का दरवाजा खटखटाया, वैश्या घबरा गई कि आखिर एक पतिव्रता स्त्री उसके घर क्यों आई है। महिला को देखकर वैश्या ने उससे कहा, दीदी आप आज मेरे घर क्यों आई हैं? किसी ने यहाँ देख लिया तो आपको अपमान का सामना करना पड़ सकता है। ये सुनकर पत्नी ने कहा कि वो अपने पति की इच्छा पूरी करने के लिए यहाँ पर आई है और वह चाहती है कि वो एक बार उसके पति से मिल ले। ये सुनकर वैश्या को अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ कि एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के पास एक वैश्य को जाने के लिए कैसे कह सकती है। लेकिन फिर एक पत्नी का अपने पति के लिए इतना प्रेम देखकर वैश्या उससे मिलने के लिए तैयार हो गई और वैश्या ने उससे कहा, मैं तुम्हारे घर आई तो लोग तुम्हारे परिवार को गलत निगाह से देखने लगेंगे, इसलिए तुम खुद अपने पति को यहाँ ले आओ। इसके बाद अगले ही दिन पत्नी रात के अंधेरे में जंगल के रास्ते से अपने पति को वैश्या के घर लेकर जा रही थी। उसने अपने पति को कंधे पर उठा रखा था क्योंकि वह बीमार था। लेकिन तभी उसने देखा कि जंगल में एक ऋषि को चोरी के आरोप में सूली पर लटकाया हुआ है। उसी समय उसके पति का पैर सूली से छू जाता है और सूली हिलने लगती है और इससे ऋषि का दर्द और बढ़ जाता है और वह कहराने लगते हैं और क्रोध में आकर श्राप दे देते हैं। ऋषि कहते हैं, जिसके कारण भी मेरा ये दर्द बढ़ा है और मुझे और पीड़ा का सामना करना पड़ा है, मैं उसे श्राप देता हूँ कि उसकी सूर्योदय से पहले मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर पति घबरा जाता है और जोर जोर से रोने लगता है कि अब तो मेरा मरना निश्चित है, इस श्राप के बाद तो मैं सूर्योदय से पहले ही मौत को प्राप्त हो जाऊंगा। लेकिन ये सुनकर उसकी पत्नी कहती है, स्वामी आप घबराए नहीं, अगर मैंने आपके सच्चे मन से सेवा की है और आपके सिवा किसी और पुरुष पर नजर नहीं डाली है तो जब तक मैं नहीं चाहूंगी तब तक सूर्योदय नहीं होगा और आपकी मृत्यु नहीं हो सकती। ये कहकर स्त्री अपने पति को वहाँ से ले गई। चूंकि दोस्तों ये स्त्री एक सच्ची पतिव्रता नारी थी, इसलिए इसके वचन में इतनी शक्ति थी कि अगले दिन सच में सूर्योदय भी हुआ। अब चारों तरफ अंधकार छा गया था और ये देखकर देवतागण भी परेशान हो गए। सभी देवतागण मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने बताया कि अब सूर्यदेव अपनी मर्जी से उदय नहीं हो सकते हैं, अगर वह ऐसा करेंगे तो खुद जलकर भस्म हो जाएंगे। ये सब उस पतिव्रता स्त्री के वचन की वजह से हुआ है। इसके बाद सभी देवतागण ब्राह्मण की पत्नी को मनाने देवलोक से धरती पर जा पहुंचे और उसे अपना वचन वापस लेने के लिए कहने लगे। लेकिन उसकी पत्नी वचन लेने के लिए राजी नहीं हुई, क्योंकि उसके वचन वापस लेते ही उसके पति की मृत्यु हो जाती। तभी देवताओं ने देवी अनुसुईया को बुलाया
जो खुद एक प्रतिष्ठावान स्त्री थी। बता दें कि देवी अनुसुईया भी सच्ची पतिव्रता स्त्री के नाम से जानी जाती हैं। उन्होंने ब्राह्मण की पत्नी को वचन दिया कि उसके पति की मृत्यु नहीं होगी, वो उसके पति की जान बचाएंगी और अपने तेज से उसे स्वस्थ भी कर देंगी, लेकिन उसके लिए पहले उसे अपना वचन वापस लेना होगा। ये सुनकर ब्राह्मण की पत्नी ने अपना वचन वापस ले लिया और उसके पति की जान भी बच गई। इसके साथ ही उसकी बीमारी भी ठीक हो गई। वहीं दूसरी तरफ अपनी पत्नी का इतना प्रेम देखकर ब्राह्मण को भी अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने अपने पत्नी से माफी मांग ली। फिर दोनों पति पत्नी साथ में खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगे। तो देखा दोस्तों आपने, एक पतिव्रता स्त्री अगर चाहे तो अपने पति के लिए वो कुछ भी कर सकती है, लेकिन इसके लिए आपको भी अपनी पत्नी का सम्मान करना पड़ेगा। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही रोचक और वीडियोस देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।